सो गाइस ये है शॉप, ठीक है, गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक शॉप का नाम है, ठीक है, शॉप नंबर 55 है और ये सामने आप शॉप देख सकते हो। इनके पास जो टीवी, इन्वर्टर, इंडक्शन के पुराने पार्ट्स मिलते हैं सारे, ये देख सकते हो, सारे पुराने पार्ट्स मिलते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, ठीक है, ये देख सकते हो। तो ये है शॉप के ओनर। हेलो अंकल जी, कैसे हो, क्या क्या मिलता है आपके पास? इन्वर्टर का, इंडक्शन, टीवी, सबके पुराने पार्ट मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कंपोनेंट्स देखें। सो गाइस ये कंपोनेंट्स है, आप देख सकते हो ये किस चीज़ के कंपोनेंट्स है, ये टीवी के कंपोनेंट्स है। क्या प्राइस हो जाता है स्टार्ट? ये 12 रुपए का एक है और ये वाला 12, ये 10, ये 10, ये भी, ठीक है। ये क्या है? अच्छा कंपोनेंट्स है। और ये वाला? ये 20 रुपए है। और ये वाला 10 रुपए है। और ये 30 है, ये 20। ये सारे कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे टीवी के हैं, इंडक्शन, अच्छा इंडक्शन और टीवी के, ठीक है। और ये कैपेसिटर है 10 रुपए, ठीक है, ये 10 रुपए ईच है। इसकी वैल्यू वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे, ये 10 रुपीज़ ईच है, ये देख सकते हो, ठीक है। ये फ़ैन का क्या प्राइस है? ये फ़ैन का क्या प्राइस है? 40 रुपए ईच है। ये किस में, इंडक्शन में लगता है? इंडक्शन में लगता है। और ये डिस्प्ले 40 रुपए। ये किसकी डिस्प्ले है? ये भी इंडक्शन की है डिस्प्ले, 40 रुपए। और ये इंडक्शन बोर्ड है 100 रुपए ईच है, देख सकते हो बहुत सारी क्वांटिटी में है। इंडक्शन बोर्ड है ये 100 रुपए ईच, ठीक है। और यहाँ पे और भी पार्ट्स देख सकते हो भाई। एक है इन्वर्टर कार्ड है, क्या प्राइस है? 300, 400, 200, ठीक है। ये सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। और ये भैया, ये भी कार्ड है इन्वर्टर का, 200। इसका क्या प्राइस है? 200-150 रुपए के अंदर में आपको देखने को मिल जाएगी ये, ठीक है। और ये भी, ये वाले भैया, ये भी इस टाइप के हैं, ठीक है, 200-300 यही प्राइस मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये किसके पार्ट है? ये सारे इन्वर्टर के हैं यहाँ पे। इसका क्या प्राइस है? 400। इसका 400, ये सारे 400 रुपए, ठीक है। और टीवी के पार्ट्स क्या है? अच्छा टीवी के बस ये कंपोनेंट्स है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस सारे कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, सब कुछ। सो गाइस देख सकते हैं सारे कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। मॉसफेट कितने रुपए प्राइस है पैकेट का? 10 रुपए। अच्छा अच्छा 10 रुपए 8 रुपए पीस यहाँ पे प्राइस मिलेंगे इनको। और ये फ्यूज का 1 रुपए फ्यूज है यहाँ पे। ये रिले 10 रुपए ईच है, ठीक है, 10 रुपए ईच। और ये क्या है अंकल जी? ये आईसी एक बार दिखाना खोल के। ओके ये आईसी है। ये किस चीज की आईसी है? ये इन्वर्टर आईसी। क्या प्राइस है इनका? 100। कितना? 100 रुपए। 100 रुपए ईच है यहाँ पे इन्वर्टर की आईसी, ठीक है। और ये किस चीज का बोर्ड है अंकल जी? ये मुश्किल है भाई, उसके इन्वर्टर है। ये सारे इन्वर्टर के। क्या प्राइस है इसका? 200-300 रुपए। ओके ओके ये भी देख सकते हो 300 रुपए के अंडर में, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे बार्गेनिंग भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। ये देख सकते हो ये सारे पार्ट्स हैं शॉप पे। ओके अंकल जी ये भी इंडक्शन का है? इन्वर्टर के सब। इन्वर्टर के क्या प्राइस है? नहीं इसका बता दो, इसका ये 1000 रुपए है, ठीक है, 1000 रुपए है। ये देख सकते हो यहाँ पे और भी है, ये देख सकते हो गाइस ये भी इन्वर्टर का है। इसका ये 500 रुपए है। ओके और यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स हैं बॉक्सेस में, ठीक है, रिले वगैरह है। ऊपर भी देख सकते हो यहाँ पे फैन भी है, पैकेट में कैपेसिटर वगैरह भी है। क्या प्राइस है इनका एक का? 10-10 रुपए। और ये फैन किस में लगते हैं अंकल जी? इन्वर्टर में। क्या प्राइस है? 20-20 रुपए, ठीक है, 15 रुपए। और इस बोर्ड का क्या प्राइस है? 400 रुपए। इन्वर्टर का है ये भी इन्वर्टर का है। ओके गाइस ये देख सकते हो पूरी शॉप जो है इन्वर्टर और इंडक्शन और टीवी के पार्ट से भरी पड़ी है। ओके ये देख सकते हो ये बोर्ड भी इंडक्शन का है, ये इन्वर्टर है। क्या प्राइस है वाले बोर्ड का? 400-500-250-300 भाई ऐसे बता दो यार। अच्छा 400-500 के अंडर में सब मिल जाएगा ना? सो गाइस 400-500 के अंडर में आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे शॉप पे, ठीक है, इन्वर्टर और इंडक्शन का। जैसे कि ये इंडक्शन की डिस्प्ले वगैरह हो गई, ये बोर्ड हो गया 100 रुपए ईच हो गया, ठीक है, ये फैन वगैरह हो गए, ठीक है,
कि कंपोनेंट्स हो गए और ये कैपेसिटर हो गए। इस वाले कैपेसिटर के प्राइस है 10 रुपये ईच है कैपेसिटर। ये हाई स्पीड फैन है, नॉर्मल इंडक्शन में लगने वाले 20 रुपीज़ ईच है। और क्वांटिटी देख सकते हो आप गाइस, ये क्वांटिटी है, ये देख सकते हो यहाँ पे कंपोनेंट्स हो गए। ओके, तो ये शॉप टूर हो गया यहाँ पे इंडक्शन टीवी और इन्वर्टर के पार्ट्स का। ये सारे पुराने पार्ट्स हैं अंकल जी? ठीक है, सो थैंक यू अंकल जी, थैंक यू।